रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की जो वीडियो है वो हम छत पे कर रहे हैं बारबेक्यू पर। तो जो मिसाला हमने लगाया था सीख कबाब, तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके बाद आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करेंगे और छोटी छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो बनाएंगे। अभी तो छत पर आए हैं, आज की हमारी बारबेक्यू छत के ऊपर है, तब बच्चे एंजॉय करेंगे। हम बनाएंगे सीख कबाब जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारी ये वीडियो अगर आप भाई बहनों को अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना सबसे ज़्यादा। तो अस्सलाम वालेकुम कहो। ये क्या बोल रही है आपको, क्या बोल रही हो आप? खड़ी हो जाओ ना, सही तरीके से खड़ी होके बोलो ना, खड़ी हो जाओ। क्या बोल रही हो? सीख कबाब बनाएंगे ना हम लोग, सीख कबाब खाओगी ना? चले हम शुरू करते हैं, अंगीठी चालू करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो। कैमरा जो है वो बैक की तरफ करता हूँ मैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, सब कैसे होंगे? तो आज हम बना रहे हैं सीख कबाब, जो आप तक देखने शेयर करें। ये मैंने कीमा लिया 1 किलो के करीब और मैंने इसको बिल्कुल बारीक सा पिसवा लिया। अभी हम मसाले ऐड करते जा रहे हैं, आपको साथ साथ बताते जाते हैं। देखिए, 2 टीस्पून मैंने लिया लहसुन और 10 से 12 मैंने हरी मिर्ची थी उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिए, ये ऐड कर देंगे हम। और 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक लिया है, ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें। और ये देखिए, मैंने प्याज ली थी दरमियानी साइज़ की बड़ी, उसको मैंने इसके छन्नी के अंदर रख के इसका पानी सब अच्छे से खुश कर लिया। और सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये मसाले, ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैं खाने वाले टीस्पून मैंने लिया है 2 टीस्पून धनिया कुटा हुआ और भुना हुआ ये भी, और ये ज़ीरा है भुना हुआ कुटा हुआ। और ये मसाला अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये मैंने लिया है टिक्का मसाला 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला दिया है और 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची और 1/2 टीस्पून मैंने लिए पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिया, नमक टेस्ट के मुताबिक अपने। ये सब ऐड कर देंगे हम इसी में। देखिए, अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं ऐड करूँगी इसके अंदर बेसन, जो बेसन मैंने अच्छे से इसको भून लिया है मैं फ्राई पैन में ऐड करके। ये देखिए, ऐड कर देंगे हम 2 टीस्पून, ये हम ऐड कर देंगे 3 टीस्पून, ये मैंने ऐड कर दिया। अब फिर उसके बाद मैं प्याज ऐड करती हूँ इसमें। सबसे पहले हम अच्छे से मसाला मिक्स कर लें। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करी प्याज, जो हमने प्याज दिखाया था आपको, हम सब प्याज ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरी बेटी जो है ना, बस खेल रही है खिलौनों के साथ, इसलिए उसका शोर आ रहा है। देखिए, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया मसाले को। अब इसको हम कवर करके रख देंगे, जब बनाएंगे फिर आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स देखें, सीख कबाब हमारे जो है हमने डीप फ्रीज़र कर दिए थे, फ्रिज में रखे थे ना? हाँ, नीचे फ्रिज में, फ्रिज में रखे हुए थे। तो अभी हमने निकाले हैं और इधर साथ में हमारे अंगीठी भी चल रही है, कोयले भी तैयार हो रहे हैं और इधर साथ में सीख में कबाब भी लग रहे हैं। तो कबाब लगाते हुए आपको दिखा रहे हैं। तो उसके बाद ये देखें, मुलज़ा भी बैठी हुई है, बच्चे भी सारे बैठे हुए, बारबेक्यू हो रही है, इंजॉय करेंगे ये लोग मज़ेदार। ये देखें, ये बैठा हुआ है, ये देखें शहीद, ये बैठा हुआ है, बस बनियान पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है, बस और कोई काम नहीं। आज ये मदरसा में गया था, बड़ी ज़ोर की इसने फाइटिंग की और इसने अपना कमीज फाड़ के आ गया था, ये इसके काम है। और ये देखें, हाँ तो अस्सलाम वालेकुम पहले भी कर दिया था आपने, तो आप फिर से करोगे अस्सलाम वालेकुम? अभी ये नहीं कह सकते कि हम एंजॉय करने आए हैं, वो अभी छत पे बारबेक्यू बोल रहा है। अपने शहजादे की नहीं, अबू ने मेरी नहीं बनाई, बोल रहा है। तो तूने पहले भी सलाम कर दिया, अब क्या इसको देखो, तू क्या कर रही है? ये कच्चा कबाब खाएगी क्या? नहीं यार, सीख में लगाना है इसको। सीख में कैसे तू लगाएगी, अभी तू छोटी है, बड़ी तो हो जा भाई, मम्मा की बड़ी हो जा फिर बाद में लगाई हो। तो बच्चे सारे बैठे हुए, ये हमारे साथ छोटा वाला एंजॉय कर रहा है, इसकी मम्मा और पापा नीचे है, तो इनके मम्मा पापा नीचे हैं, बाकी सब ऊपर हैं।
मैं तो इनको भी नहीं आने दे रही थी यार, हम अभी बुला लिया। हम अभी इंजॉय करेंगे अभी छत पे बारबेक्यू, छोटी छोटी वीडियो आपके साथ थोड़ी थोड़ी क्लिप करते रहेंगे शेयर। तो हमें भी इस कोयले को फैलाएंगे अपने पूरी एनजीटी में तैयार कर देते हैं। तो ये कबाब सीख में कबाब लग चुका है, तो हम इसकी तैयारी करते हैं, इसको पूरा फैला के, इसको पूरा फैलाते हैं। फैलाने के बाद इस पर हम सीखे रखेंगे। और माशाल्लाह से हवा बड़ी वीआईपी चल रही है और हल्की हल्की फुहार भी चल रही है, मज़ा आएगा। बारिश भी है, मज़ा आएगा। मुनज़्ज़ा साथ में बैठी हुई है मम्मा के साथ, बराबर देख रही है ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये अपनी मम्मा के साथ ही रहती है। देखें सीखें लगा दी हमने, जो तैयार होती जा रही हैं वो स्टेप बाय स्टेप लगाते जा रहे हैं। कबाब सीख कबाब अंगीठी में डालते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे वीआईपी करके, ये पकता जाएगा और साथ के साथ इसको घुमाते भी रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से पकाते भी रहेंगे घुमाते भी रहेंगे। तो बनना शुरू हो रहे हैं, तो जैसे तैयार होते हैं फिर आपको दिखाएँगे। कुछ बड़े और कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ छोटे बेगम बना रही है, एक साइज़ तो रख नहीं रही। ये मुनज़्ज़ा बल्ले बल्ले कर रही है, बल्ले बल्ले, इसके बल्ले बल्ले हो रहे हैं, इंजॉय करेगी। तो इसको तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें, एक दो तीन चार, ये चार जो सीखे हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं पक के। अभी इसको हम निकालते हैं, ये हमने रखा हुआ है आउटपॉट, आउटपॉट कहते हैं ना इसको, आउटपॉट कहते हैं। इसके अंदर रहेंगे गर्म, ठंडे नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमारी नीचे रोटी बन रही है। जब तक रोटी बन रही है हम यहाँ पर ऊपर छत पे बैठ के अपना सीखे तैयार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब रोटी तैयार हो जाएगी उसके बाद हम इस चटनी भी बनाई है इसके साथ, टमाटो वाली चटनी बनाई है, टमाटो वाली चटनी बनाई है, फिर उसके साथ हम मिल के इसको खाएँगे। तो इंशाल्लाह आपके साथ थोड़ा बहुत वो भी वीडियो शेयर कर देंगे। तो ये देखें, ये बिल्कुल हमारे तैयार हो चुके हैं ये चार सीखे। तो मेरी बेटी ने अभी छोटा छोटा वाला, देखे ये ने अपना लिए लगाया छोटा छोटा वाला, तो ये इसको भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये इसको हम अपने बेगम को देते हैं, वही निकालेगी सीखों में से इसको। ये लो, तो मैं सीखे निकाल के उसको दे दूंगा, वो निकाल लेगी इसमें से। तो तैयारी करें निकाल के दूं। तो ये हमारी पहली सीख तैयार हुई है माशाल्लाह से, देखें कितना वीआईपी सा कलर आया इसका, ब्यूटीफुल माशाल्लाह से। मेरे ख्याल से आप लोग को भी देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये लो, बेटा तुम्हारा पहले बोल रहा है मुंह में पानी। ओहो बेटे के, मेरे के मुंह में पहले से पानी आ रहा है। ये देखो ऐसे लिख लेंगे, ये देखो, ये देखें माशाल्लाह से कितना, ये देखे बिल्कुल भी नहीं टूटा और कितने अच्छे बने कबाब। चलो ये रखो इसके अंदर, ये दूसरा भी निकालो। तो ये बर्तन के अंदर हम सारी सीखें निकाल लेंगे, निकल गया। और हमारे घर में एक बतख भी घूम रही है यार। ओह बारबेक्यू में हमारे साथ बतख आ रही है, वो भी खाने के लिए मजे से कबाब, सीख कबाब, उसको भी खुशबू आ रही है मजेदार। तो ये देखें, ये पकड़ा हुआ है, छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं, नहीं तो ये चूल्हे में चली जाएगी तो मसला खराब हो जाएगा। तो फिर हम बाकी तैयार करते हैं, जब सब तैयार हो जाएंगे उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। ओहो थोड़ा आपके साथ बातें करने में ये थोड़ा काला हो गया, आपके काम है ना। ओहो देखा नहीं ना मैंने, थोड़ा उसमें आप लोग के साथ ध्यान देना चाहिए, ध्यान दिया नहीं मैंने। ओ क्या हुआ, ओ इसका वाला तैयार हो रहा है। मुनज़्ज़ा अभी भी यहीं पर छत पे बैठ के खाएगी, हम बाकी तैयार कर लेते हैं। इंशाल्लाह से हमारा सीख कबाब बन के तैयार हो गए। तो ये कोयले में चाय बन रही है, ये देखो चाय बना रही है, चाय चाय क्या कर रही है आपकी मम्मा, चाय बना रही है कोयले के ऊपर। तो हमारा सीख कबाब बन के तैयार हो गए, तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं खाने की, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे। कि मेरी चाय जो है ना बन के रेडी हो रही है, ये देखिए चाय पक रही है। कोयले की चाय बना के पिए इतना मज़ा आता है, और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आती, वो तो चाय नहीं बनाओ। और देखिए मेरी बेटी क्या करी है, वो बैठी हुई है झूले पे, ये देखिए मुनज़्ज़ा, देखिए मैंने इसको स्कार्फ बनाया था, इसने स्कार्फ उतार दिया, और ये हमारा उजैर बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह से हमारा बारबेक्यू बन के तैयार हो गया और हम खा रहे हैं। तो मैं भी सामने आ जाता हूँ आप लोग के, उसके बाद हम वीडियो फिनिश करेंगे। तो आज की हमारी ये रेसिपी आप लोग कैसे लगी हमें कमेंट करके बताना। तो माशाल्लाह से हम खाना खा रहे हैं, खाना तो खा लेंगे लेकिन वीडियो तो बंद करें ना। ये लो, बाय बाय।
तो इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दे, दुआओं में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।